146 लोगों को या इसके आसपास लोगों को कैद करके डाला। वो भी कैसे कैद किया, मान लो ये एक छोटा सा कमरा है, इसमें मैं 600-700 लोगों को भर दूं और यहाँ से बाहर सांस लेने का एक विंडो नहीं है, एक डोर नहीं है, तो क्या अगले दिन सुबह मुझे इस कमरे में लोग जिंदा मिलेंगे? उन्होंने ऐसे ही किया, बहुत सारे लोगों को, अराउंड 140-150 लोगों को उसने बंद करके कैद करके डाल दिया। और अगले दिन सुबह जब ताला खोला तो सिर्फ 23 लोग जिंदा मिले, और ये लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स। आर यू गेटिंग मी? तो नवाब सिराजुद्दीन दौला ने बंगाल में इस फोर्ट विलियम को तोड़ दिया, तोड़ा इन द सेंस बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया, और वहां पे जो लोग फंसे गए उनको कैदी कैदी बना दिया। अगले दिन सुबह खुले तो 23 जिंदा थे, बाकी सब लोग मर गए थे। बस इसी को रीजन बनाया, इसी को रीजन बनाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव। और कहा कि तुमने हमारे लोगों का इतना नुकसान किया, रुक मैं तेरे को नहीं छोड़ता। तो रॉबर्ट क्लाइव आ गए नवाब पर अटैक करने, 5,000 की आर्मी लेकर आए थे। ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, डोंट यू नीड नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल दीस नंबर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ स्टोरी। तो 5,000 की आर्मी को लेकर नवाब से अटैक करने आए। ये अटैक जो उन्होंने किया उसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लाजी। कहा हुआ था यह अटैक? भागीरथी नदी के पास। भागीरथी नदी है, बहती है बंगाल में, जानते हो तुम लोग। उसके किनारे एक जगह है जिसका नाम है पलाशिंग, पलाश नहीं बेटा, पलाशिंग। और इसी पलाशिंग का इन लोगों ने एंग्लिसाइज वर्शन क्या कर दिया? प्लाजी। ये अंग्रेज बोल नहीं पाते थे पलाशिंग, तो बेटा सोच ले इंग्लैंड जाने से पहले, ठीक है? तो यही है बैटल ऑफ प्लाजी। इस बैटल ऑफ प्लाजी में सिराजुद्दीन दौला डिफीट हो जाते हैं, हार जाते। क्यों डिफीट होते? वैसे तो नहीं डिफीट होने वाले थे, बहुत पावरफुल नवाब थे ये, लेकिन जो इनके विश्वास पात्र थे ना पलाश, जो इनके विश्वास पात्र थे मीर जाफर, इसी मीर जाफर को किसने खरीद लिया? रॉबर्ट क्लाइव। और इसी मीर जाफर की मदद से उसने किसको हरा दिया? सिराजुद्दीन दौला। इस पूरे स्टोरी को क्या कहेंगे? बैटल ऑफ प्लाजी। मुझे पता था एक में नहीं पढ़ा होगा इसलिए वापस पढ़ा है, ठीक है? सो बैटल ऑफ प्लाजी को हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? एक हिस्टोरिकल इवेंट। प्लास्टिक से कोई नहीं खेलेगा, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बाद इंडिया का पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश। चाहिए तो एक कहानी लिखे। बाकी के जो सांपड़ा के बच्चे वो तो बता रहे थे, स्टोरी याद होगी। जब मैंने पूछा कि विश्वासघात किसने किया, ट्रेटर कौन निकला, तो बोले मिर्जा। नवाब कौन था? तो सिराजुद्दीन दौला याद नहीं आ रहा था, सूरज सूरज बोल रहे थे वो, लेकिन क्लोज बाय तो था ना। तो देखो पलाश तो याद नहीं है। हो गया लिखना, आगे बढ़। तो बैटल ऑफ प्लाजी कब लड़ी गई? 1757 में। वेरी गुड, इसको याद कैसे रखेंगे? 1757 जानते हो रिवोल्ट हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी रिवोल्ट किया था, वो कब हुआ था वो भी याद नहीं है। चलो अच्छी बात, रानी लक्ष्मीबाई ने जो रिवोल्ट किया था वो कब किया था?
वो हुआ था 1857, तो 100 साल पहले 1757 में इन लोग के पास क्या आ गई थी, पावर। कैसे आई, बैटल ऑफ प्लासी से आई। वैसे करके आप दोनों ही डेट्स याद रख सकते, 57 याद रखना है, चाहो तो अपना बर्थडे भूल जाओ लेकिन इसको याद रखो। आगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना तो मुनाफा बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो मिर्जाफर था वो तो बस परफेक्ट रूलर था, वो हर बात किसकी मानता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मानता था। इन लोगों ने मिलजुल कर किसको भगा दिया बेटा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को भगा दिया इंडिया से। फिर तो किसकी चलने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की चलने वाली थी। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। जैसे इन्होंने इंग्लैंड ने इंडिया पर कैप्चर किया, उसी तरह इन लोगों ने कनाडा को भी कैप्चर कर लिया। आज के डेट में भी अगर आप देखो ना तो कनाडा किसके अंडर है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर है। कनाडा इज नॉट अ फ्री ऑटोनॉमस और अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आगे बढ़ते तो इनके पास अलग अलग दुकानें थे जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स क्या करते थे, बेचते थे। कनाडा है, इंडिया है एंड अदर कॉलोनियल रूल्स वेयर दे यूज्ड टू सेल। यही पैतरे आजमाने का किसने किया कोशिश, फ्रांस स्पेन और हॉलैंड। फ्रांस स्पेन एंड हॉलैंड इट आल्सो ट्राई टू डू द सेम थिंग। उसने सोचा यार अपने पड़ोसी ब्रिटेन वाले तो बड़े अमीर बन रहे हैं, क्या किया इन्होंने, कॉलोनी बनाई। चलो फिर भी यही करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी से क्या लेंगे, रॉ मटेरियल, कॉलोनी में जाके बेचेंगे अपना फिनिश प्रोडक्ट और इस सारे डील में क्या कमाएंगे, पैसा पैसा। पर इनके ये सारे पैतरे फेल हो गए। फ्रांस स्पेन और हॉलैंड जो कुछ भी कॉलोनी बनाकर वहां पे ले जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते थे वो नहीं बिकते। क्यों नहीं बिकते, क्योंकि इन्होंने कॉलोनी कहाँ बनाई थी, मैक्सिमम इनकी कॉलोनी अफ्रीका में थी। अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है, पुअर कंट्री है, वो रॉ मटेरियल तो बना के दे देंगे दिया, लेकिन तुम महंगे प्रोडक्ट्स ले जाकर वहां बेचोगे तो उनके पास उतना पैसा ही नहीं है तुमसे खरीदने के लिए, यस और नो। तो तुमने अगर उनसे कॉटन की डिमांड करी, जबरदस्ती की मारपीट करोगे तो हो सकता है वहां के फार्मर्स उगा के तुमको कॉटन दे देंगे, लेके जाओ। लेकिन उसी कॉटन का अगर तुम शर्ट पैंट बनाकर वहां पे बेचने जाओगे और 500 रुपए का एक शर्ट पैंट बोलोगे तो वो लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास उतने पैसे है ही नहीं। लेकिन ये कंडीशन इंडिया में नहीं, इंडिया तो क्या थी, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया मतलब बहुत ज्यादा पैसा था इंडिया में, तो उनके ये सारे ट्रिक्स जो थे ब्रिटिशर्स के वो इंडिया में एकदम मस्त चले। आगे बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। कहीं पर भी तुम इंडस्ट्री लगाने वाले हो बेटा तो तुमको क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए कोल एंड आयरन। आयरन किस लिए चाहिए, ताकि तुम्हारा जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या मशीनरी है वो किस चीज से बनेगी, आयरन की बनेगी। और कोल क्यों चाहिए, चलाने के लिए, उसे एनर्जी भी तो चाहिए ना चलने के लिए, तो कोल चाहिए। ये दोनों कहाँ पर सबसे ज्यादा थे, इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कोल एंड आयरन का बहुत ज्यादा रिसोर्स होने की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू किया। देन डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर ये इरेज कर दो, हो गया होगा ना लिखकर, थक गए हो क्या आज, उलझा क्या है क्या सब लोग, तभी तो हम आया ना भी नहीं बोल लोग। इतनी देर के बाद हाँ दिया। एक और आदमी था उसका नाम था नेपोलियन, सुना है इसके बारे में। एक और था, एक नाइट कमांडर जनरल, वॉरियर, वॉरियर था ठीक है। जो भी युद्ध लड़ने जाता था सब जीत जाएगा, बहुत फेमस था, इसके वॉर स्ट्रेटजीज बहुत कमाल के हुआ करते। कहाँ का आदमी था ये, फ्रेंच, वेरी गुड। कुछ कुछ चीजें पता है मतलब,
वेरी गुड। तो फ्रांस का आदमी नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का ये डिक्टेटर बन गया, जानते हो? पहले वहां पे लुई 16 का रूल था, बोर्बन डायनेस्टी। वहां पे लुई 16 को क्या कर दिया, वहां के लोगों ने गुलेटिन कर दिया, मार दिया। उसके बाद रॉबेस्पियर नाम का एक आदमी आया, उन्होंने उसने बोला कि हम अपने आम जनता में से ही अपना डेमोक्रेटिक रूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और उसका सारा डेमोक्रेसी हो गया मिट्टी में जब उसने अपना असली रंग दिखाया, और वो भी क्या बन गया, डिक्टेटर बन गया। फिर उसके बाद आता है ये नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट थे एक वॉरियर। इनका सपना था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड किसके हुकूमत में होना चाहिए, फ्रांस के हुकूमत। तो इन्होंने अलग अलग डायनेस्टीज पर क्या किया, वॉर किया। पूरे यूरोप लगभग उसने क्या किया है, वॉर किया है, और कोशिश की है कि पूरी की पूरी यूरोप किसके रूल के अंदर आ जाए, फ्रांस के रूल के अंदर आ जाए। अब इस कोशिश में हर कंट्री को नुकसान झेलना पड़ा, यूरोप में जितनी कंट्रीज थी ना, लगभग सभी को नुकसान झेलना पड़ा, एक्सेप्ट ब्रिटेन। क्यों, ब्रिटेन को क्यों कोई नुकसान नहीं हुआ? उस उधर भी हुआ है, नेपोलियनिक वॉर्स ब्रिटेन के लोग भी लड़े, लेकिन ब्रिटेन को नुकसान क्यों नहीं हुआ उससे? Why didn't it face any harm because of Napoleonic wars? ठीक है, और क्या, ब्रिटेन ब्रिटेन गया ही नहीं, क्या बोला, ब्रिटेन जिंदा हो गया ऐसा सुना दिया। मान लेते हैं ये क्या है आपका, यूरोप है, यहाँ पे है आपका भूमि। ये डायग्राम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ब्रिटेन है ना, वो यूरोप के लैंड मास को शेयर नहीं करता। बीच में क्या आ गया है, पानी, वाटर, सी। इस सी की वजह से यूरोप का डायरेक्ट कांटेक्ट ब्रिटेन के साथ थ्रू लैंड रूट नहीं हो पाता। तो अगर यूरोप का कोई भी आदमी, मतलब यूरोप से ही है, फ्रांस तो यूरोप में ही आता है, यस, तो फ्रांस का ये नेपोलियन ब्रिटेन के साथ लड़ना चाहता है, तो कैसे लड़ने जाएगा, नेवी की मदद से लड़ने जाएगा, यस, अपनी नेवी लेके जाएगा। अब नेवी लेके जाएगा तो जितनी नेवी फ्रांस के पास थी उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल नेवी किसके पास थी, ब्रिटेन के। तो बाय द टाइम ये नेवी लेकर नेपोलियन ब्रिटेन की तरफ जाने निकलता है, रास्ते में ही ब्रिटेन क्या कर देता है उसको, चल गया, समझे? तो कभी भी नेपोलियन खुद अपने फ्रांस के सोल्जर्स को लेकर ब्रिटेन की जमीन पर लड़ाई करने जा ही नहीं पाए। ब्रिटेन ने अपने सोल्जर्स को अगर फ्रांस में भेजा लड़ने तो ही लड़ा, अदरवाइज ही नेवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? तो अगर किसी एक जमीन पर लड़ाई नहीं होती तो क्या उस जमीन पर कोई नुकसान होगा, नहीं होगा। लेकिन स्पेन के साथ लड़ाई हुई, पोर्चुगीज लोगों के साथ लड़ाई हुई, जर्मनी के साथ लड़ाई हुई, तो इधर सब क्या हो गया, नुकसान हो गया। और इधर सब अगर नुकसान हो गया तो यहाँ की इंडस्ट्रीज क्या हो गई है, बंद। तो इन सब इंडस्ट्रीज को खाना, पैसा, प्रोडक्ट्स, ट्रेड, गुड्स सब कौन पहुंचाएगा, ब्रिटेन। यहाँ तक कि खुद फ्रांस का भी तो नुकसान हुआ ना, वो खुद क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है सबके साथ, तो इसका भी नुकसान हुआ है, तो इसको भी खाना, दाना, पानी सब कौन दे रहा है, ब्रिटेन। इस सब चक्कर में क्या कर रहा है ब्रिटेन, पैसा कम रहा है। Are you getting me? समझा कलाज? So इसमें आप आंसर में क्या लिखोगे? Britain never shares a land mass with the proper Europe. So when it has to be reached through navy, Napoleon had a tough time facing Britain navy. When he was fighting with British navy, he got defeated, and due to this, he never fought a proper war on British island. And that is why British Island never faced any loss to its industries or any other productivity. Samjhe? Kuch doubt to nahi hai abhi increasing demand for goods mein? Padh ke dekho bachcho. Read and see for yourself. Agar kuch doubt rakhta hai to poochho.
थिंग्स आर क्लियर? इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स वाला पैरा पढ़ के देखो, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट वी विल हैव दिस क्वेश्चन अगेन. नहीं है कोई डाउट्स? रणवीर पढ़ लिया बेटा? नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एग्रेरियन रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से कुछ साल पहले यूरोप में एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ, स्पेशली इंग्लैंड में. वहां पे जितने भी लोग फार्मर्स थे और वो जितना भी काम एज अ फार्मर किया करते थे पहले, उस काम को आसान कर दिया गया एग्रेरियन रेवोल्यूशन. इन लोगों ने क्रॉप रोटेशन सीख लिया. इसके अलावा प्लॉट बनाए. ये प्लॉट क्या करते थे, पहले जिस प्लॉट को चलाने के लिए 6 से 8 भैंसे लगती थी, अब वो कितने ऑक्सन से काम होता था? सिर्फ 2 ऑक्सन से काम होता था. इसके अलावा इन्होंने फर्टिलाइजर बनाया. क्रॉप रोटेशन जानते होंगे ना तुम लोग. एक क्रॉप लगाने के बाद उसकी क्या हो जाती है, लैंड की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, उस क्रॉप को ग्रो करने में अपने न्यूट्रिएंट्स दे देती है वो सॉइल. तो अगली बार अगर आप वही सेम क्रॉप लगाते हो तो क्या वो क्रॉप सही तरीके से ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो करेगा. तो आपको कोई दूसरा क्रॉप लगाना चाहिए जिससे कि जो पहले वाले क्रॉप ने जो न्यूट्रिएंट ले लिया है वो वापस वो दूसरा वाला क्रॉप उधर क्या करे, रिस्टोर करे. खुद ना कर भी पाए तो भी सॉइल को अपने आप से उस न्यूट्रिएंट को रिस्टोर करने का टाइम मिल जाए. यस और नो? इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन. दैट इज व्हाई इन इंडिया वी फॉलो रावी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप सिस्टम. यस और नो? पहले हम जो भी है जवार लगाते हैं, फिर उसके बाद राइस की खेती होती है. यस, दिस इज हाउ वी रोटेट द क्रॉप्स. तो इन लोगों ने भी क्या किया, क्रॉप का रोटेशन किया. पहले उनके पास भी प्लॉस थे, लेकिन एक प्लॉ को खींचने के लिए 6 से 8 ऑक्सन की जरूरत पड़ती थी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सन? बुल. बुल यानी भैंस. भैंस को खींचने के लिए लेके आना पड़ता था 6 से 8. लेकिन अब 2 ऑक्सन या 2 घोड़ों से भी काम हो जाता था. इतने हल्के फुल्के प्लॉस बनने लग गए, फर्टिलाइजर बनने लग गए. तो मान लो अगर मेरे घर में 10 जन है तो क्या मैं 10 के 10 जनों को फार्मिंग के काम में भेज दूंगी? चलेगा क्या? 2 जन से भी हो रहा है ना मेरा काम, तो बाकी के 8 जन क्या करेंगे? अब फिर भी जाके उधर ही बैठेंगे खेत में चने खाते हुए? नहीं. नेचुरली ये 8 लोग अब क्या करेंगे, अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ और दूसरा एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? सिटी एरिया जाएंगे. और इन्हीं सिटी एरियाज में क्या डेवलप हो गए थे? इंडस्ट्री. तो अगर बहुत सारे लोग अगर खेती बाड़ी के काम में ही लगे रहेंगे तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आदमी लोग नहीं मिलेंगे. तो अगर आपको इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है तो इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी लोग यानी लेबर जो है वो लेबर ही होना चाहिए. और इसी लेबर को कैसे मिल जा सकते हो, जब आप एग्रीकल्चर एग्रेरियन रेवोल्यूशन, उसका काम एग्रीकल्चर का काम कम लोगों के जरिए हो जाएगा तो अपने आप इंडस्ट्रीज में लोगों का इंक्रीज हो जाएगा आना. आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब देखो मेरे पास जो ये 2 लोग थे ना, इन्होंने खेती बड़ी जम के किया, बहुत अच्छा वीट उगाया. हम लोगों ने क्या उगाया? वीट. मैंने क्या किया, इस वीट को अपने ही गोदाम में रख के बैठ गई, क्योंकि मेरे घर में जितना वीट चाहिए था वो तो मैंने यूज किया, उतना तो है. उसके अलावा भी मैंने जो बेचना था ना आसपास के गाँव में वो भी मैंने बेच दिया. लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारा वीट क्या बचा हुआ है, सरप्लस में बचा हुआ है. अब मैं उस वीट को ना गोडाउन में रख के बैठी रहूंगी. अब मुझे अगले 5 साल के लिए कोई खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना स्टॉक है वीट का. तो क्या मैं वही वीट अगले 5 साल तक खा पाऊंगी? क्यों नहीं खा पाऊंगी? खराब हो जाएगा ना, सड़ जाएगा वही गोडाउन में पड़े पड़े. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना मेरा रिक्वायरमेंट है वो तो मैंने निकाल लिया, जितना आसपास के गांव में बेच सकती थी बेच दिया, जितना थोड़ा बहुत गोडाउन में रखना है वो भी रख लिया. लेकिन अब और भी जो भी सरप्लस बचा है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे दूर के गांव में जाकर सेल करना पड़ेगा.
और ये सेल करने के लिए मेरे पास अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो होने चाहिए, वरना या तो पड़े पड़े गोदाम में खराब होने थे या फिर बैलगाड़ी में पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। यस और नो? मैंने आज मान लो यहाँ खारगर से बैलगाड़ी भेजी है 4, जिसके अंदर पूरा भर भर के गेहूं है, वो अगले 4 महीने तक भी नागपुर नहीं पहुंच पाया, तो क्या फायदा? यस और नो? फिर जो वो चीज मेरी गेहूं थी जो गोदाम में पड़े पड़े खराब होने वाली थी, वो तो वैसे भी बैलगाड़ी में पड़े पड़े खराब हो गई, तो खराब ही होनी थी, वो ही गई खराब। तो मेरे पास अच्छा क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रोड अच्छा होना चाहिए, पर रोड से भेजने में तो टाइम ज्यादा लगता है। इसका सोल्यूशन निकल के आया रेलवे से। रेलवे का डेवलपमेंट हुआ इसी टाइम पर इंग्लैंड में। इन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए रास्तों को अच्छा किया। तो रास्तों को अच्छा करने के लिए क्या यूज करते हैं? टार या टार पोल। क्या होता है टार पोल? डांबर। हाँ, तो क्या करते हैं इससे? रोड को डाल के रोड को पक्का बनाते। लेकिन रोड को मेंटेनेंस की भी तो जरूरत होती है ना बेटा। क्या हर बारिश में ये लोग मेंटेन भी करते हैं रोड को? लेटेडी क्या हर बारिश में ये लोग रोड को मेंटेन भी करते हैं? बीएमसी का काम है ना ये, ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनएमएमसी का। पॉटहोल्स बन जाते हैं अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो, गड्ढे बन जाते हैं और उसमें क्या जम जाता है? पानी। और जब बाजू में से हम लोग चलते रहते हैं और एक गाड़ी वाला जाता है स्पीड से, तो हमारे ड्रेस क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, क्योंकि पॉटहोल का सारा चिक्कड़ हम पे उड़ता है। और हम लोग किसको डांटते हैं? अरे बीएमसी कुछ नहीं करता, एनएमएमसी कुछ नहीं करता। यस और नो? तो ये जो पॉटहोल्स बनते हैं टार रोड पे बनते हैं, और इन टार रोड्स को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बेसिकली ये टार का एक टारपोल जो ये है ना, टारपोल इसका एक और यूज भी होता है। कभी आपने अगर देखा हो किसी दुकान में जो अच्छे क्वालिटी के डैंड्रफ क्योरिंग शैम्पूज होते हैं ना, इन शैम्पूज में टारकोल भी एक इंग्रेडिएंट होता है। टारकोल लेकिन हर किसी के लिए सुटेबल नहीं है, किसी किसी लोगों को एलर्जी हो जाती है उससे। बट अदरवाइज टारकोल इज ऑल्सो यूज इन डैंड्रफ रिमूविंग शैम्पूज एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक सर्टन थिंग्स वाटर प्रूफ। शिप को क्या करना पड़ेगा? वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। आप पानी में भेज रहे हो ना शिप को, पता चला है ऐसा बड़ा होल हो गया है, शिप के अंदर पानी, आप शिप के बाहर आ जाओगे। यस और तो ये हालत ना हो जाए, इसीलिए वाटर प्रूफिंग के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? टारपोल। यही टारपोल का इस्तेमाल करके इन्होंने रोड तो बना, लेकिन इसके साथ साथ लोकोमोटिव इंजिन भी इन्वेंट की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकोमोटिव इंजिन? ट्रैवल करने के लिए यूज होने वाली इंजन। देखो जब पहली बार इंडिया में ट्रेन आया था ना, तो लोगों को लगा कि इस ट्रेन पर तो किसी की भूत बाधा है, कोई ने मंत्र मंत्र फूंक दिया इस ट्रेन पर, क्योंकि इंडिया के लोगों ने कभी भी ऐसी कोई भी चीज अपने आप से चलती हुई तो देखी नहीं थी। इन्होंने हमेशा क्या देखा था? गधा नहीं तो घोड़ा खींच रहा है किसी चीज को, तभी कोई चीज आगे बढ़ सकती। इसको उन्हें जो प्यार आया फिर से हटेगी। तो इन्होंने पहली बार जब लोकोमोटिव इंजन बनाई, तो लोकोमोटिव इंजन क्या करने लग गया? ट्रेन को, बस को अपने आप आगे लेके जाता है, किसी बाहरी ताकत की मसल पावर की जरूरत नहीं होती है। तो ये लोकोमोटिव इंजन किसने बनाया था? लोकोमोटिव इंजन 1804 में जॉर्ज स्टीफनसन ने। तो स्टीम इंजन क्या होता है और वो किसने बनाया? दोनों चीज साथ साथ में डिस्कस करा रही हूं ताकि आप भूलो नहीं। स्टीम इंजन किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने। स्टीम इंजन का काम क्या है बेटा? क्या काम करता है स्टीम इंजन? अच्छा, काम कुछ भी कर रहे हो। पहले ये देखो, एक कंटेनर दिख रहा है तुम लोग को?
इस कंटेनर के नीचे मैंने क्या लगाई है? फूल नहीं है ये, एक क्लास में बच्चे ने फूल बोल दिया, फूल नहीं है, आग लगाई है। तो आग लगाऊंगी तो अंदर का एयर क्या हो जाएगा? एक्सपांड होगा। क्यों? गर्म एयर हमेशा एक्सपांड होता है, ऐसे बोलो आंसर, ठीक है? तो गर्म हवा क्या होता है? ऊपर उठता है, ऊपर उठने को ही हम क्या कहते हैं? एक्सपैंड हो रहा है सके। तो जब गर्म हवा एक्सपैंड होगी, ऊपर उठेगा, तो मैंने ये जो ऊपर लगा है वो क्या है? पिस्टन। क्या वो वही बैठा रहेगा? यार अंदर तो हवा गर्म होता रहता है, तो यही ऐसा कहेगा क्या वो? नहीं। हवा जैसे जैसे ऊपर उठ रही है, एक्सपैंड हो रही है, आगे बढ़ रहा है, तो पिस्टन भी क्या होगा? पुश होगा, ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने देखा कि ये पिस्टन ऊपर तक पहुंच गया है, यहां तक पहुंच गया है, मैंने क्या कर दिया? अब मैंने यहां से बर्नर हटा दिया, तो अंदर का एयर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस एयर क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो पिस्टन अपने आप नीचे आ जाएगा। तो मैं बेसिकली स्टीम इंजिन का आपको बेसिक फंक्शन बता रही हूँ कि ये पिस्टन को आगे पीछे करने में यूज हो रहा है, यस और नो? तो कोई चीज आपको रेगुलर इंटरवल पर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करनी है, तो उसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे? स्टीम इंजन। और ऐसा करने वाला एक्टिविटी बहुत होता है किसी भी मशीन में या किसी भी इंडस्ट्री में। कोई भी चीज को लगातार आगे पीछे खींचते रहो या फिर आगे पीछे पुश करते रहो, तो वो मशीन क्या होती है? चलती रहती है। तो उसके लिए स्टीम इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट। स्टीम इंजन कब बनाई थी बेटा इसने? 1830 में। और इसी से आगे लोकोमोटिव्स भी रन करने लगे, यानी कि आगे चल के ट्रेन्स में भी वगैरह यूज होने लग गया, ट्रेन भी स्टीम इंजन से चलने लगा। कब चलने लगा? 1830 में। आगे बढ़ते, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना बच्चों? कुछ डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? जानवी नहीं है ना? रणवीर बेटा, कोई डाउट है? आकांक्षा, पलाश, डिब्बा ढक्कन, दोनों खत्म हो गया? तो देख रहा है अभी उसी डिब्बे को, पिस्टन गिर गया। एक बच्चे ने तो ये बताया मैम अंदर एक्सपांड हो रहा, पिस्टन गिर नहीं जाएगा, फिर स्टीम इंजन का क्या फायदा? तो वो पिस्टन गिरे उससे पहले ही हम क्या कर देंगे? बर्नर को हटा देंगे ना। आगे बढ़ते हैं, कैपिटलिज्म। क्या होता है कैपिटलिज्म? कैपिटल का मतलब क्या है? जल्दी मत बोलना बच्चों प्लीज। What is capital? वो तो हेडक्वार्टर्स हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, कैपिटल मतलब पैसा। What is capital? कोई भी आपसे पूछे ना कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो कैपिटल क्या है? It means money, पैसा। एक आदमी था, उसका नाम था एडम स्मिथ। उस आदमी का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में, अगेन वेरी नियर टू इंग्लैंड। वहां पे उसका जन्म उस टाइम पे हुआ था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर इनिशियली स्टार्ट हुआ हो, और मान लेते हैं अपनी आकांक्षा का बड़ा सा कॉटन फैक्ट्री है, तो आकांक्षा ने कॉटन फैक्ट्री कैसे लगाई होगी? पैसों की मदद से, यस और नो? तो आकांक्षा ने उसमें मुझे नौकरी दी, मनस्वी को नौकरी दी, राजवीर, पलाश, जानवी सबको उसने जॉब दिया, हायर किया। इसका शुरू में ना बहुत पैसे का लॉस हो रहा था, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री नई नई लगाई थी आकांक्षा ने। तो हम सब ने भी इस पर रहम तरस खा के बस 8-8 हजार जैसे मामूली रकम थे इसके पास नौकरी करने के लिए चले गए। लेकिन इसने भी हमको बड़े अच्छे से ट्रीट किया, रखा नौकरी पर। धीरे धीरे साल भर में ना इसको बड़े फायदे होने लग गए, करोड़ों में कमाने लग गए ये आकांक्षा। लेकिन इससे इतना नहीं हुआ कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाए, पता है बड़ी कंजूस निकली है, अपना पैसा अपने पास ही रखने लग गई। तो ये सब क्या सिचुएशन है? ऑल दिस सिचुएशन इंडिकेट्स कैपिटल।
क्यों वो ऐसा कर पा रही, क्यों पैसा अपने पास रख पा रही है? क्योंकि जॉब देने वाली वो। अगर हम सबने स्ट्राइक किया, मान लो हम लोग कितने जन है, मुझे पकड़ के हम लोग कितने हो गए, 5 जन है राइट। हम 5 ने किया स्ट्राइक, तो भी क्या हो जाएगा, आकांक्षा अगले दिन दूसरे 5 को ले आएगी काम करने के लिए। वो लोग 8 या 7 हजार में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो तो खुशी हो जाएगी, चलो निकलो तुम लोग, मुझे 7 हजार वाले काम करने के लोग मिले तो मैं तुम लोग को क्यों। तो ये पूरी सिचुएशन क्या हो जाती है, कैपिटल। बहुत टफ कॉन्सेप्ट है बच्चों, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। लोगों के 12th स्टैंडर्ड क्लियर हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन तीनों कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस लोगों को पता ही नहीं होते। तीनों को जोड़ मचोड़ कर मैगी नूडल बना के पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो अभी है टाइम, ध्यान से सुन लो। कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट भी एडम स्मिथ ने दिया था, लेकिन जब उसने दिया था तब वो आकांक्षा थी अच्छी, उसके पास पैसों की तंगी थी और उसका हमें 8 हजार की सैलरी देना हमारे लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदल गया, धीरे धीरे उसके पास फायदा ज्यादा होने लग गया, प्रॉफिट ज्यादा होने लग गया, लेकिन उसने अपना प्रॉफिट हमारे साथ शेयर नहीं किया। तो जब वो बुरी बनी ना, वो टाइम देखने के लिए एडम स्मिथ नहीं था। तो उसने कैपिटलिज्म को हमेशा किस व्यू पॉइंट से देखा है, पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखा है, हमेशा अच्छे व्यू पॉइंट से देखा है। नींद में नहीं सुनना, जागो जागो ग्राहक जागो। पॉजिटिव आउटलुक से किसने देखा है एडम, एडम स्मिथ ने देखा। आगे इसी चैप्टर में एक और आदमी आएंगे आपसे मिलने, वो आदमी का नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वही आदमी इसी कैपिटलिज्म को बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट से देखता है, बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट से। और यही कार्ल मार्क्स आगे चल के और सोशल एक और थ्योरी देता है, उस थ्योरी का नाम है कम्युनिस्ट थ्योरी, लेकिन उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल तो हम लोग कैपिटलिज्म की बात करें। तो आकांक्षा ने जो फैक्ट्री लगाई थी, कॉटन मिल लगाई थी, वो क्यों लगा पाई, क्योंकि उसके पास पैसे थे नेचुरली ना, अगर पैसे नहीं होते तो क्या लगा पाती, नहीं लगा पाती। उसके पास पैसे थे तो उसने लगाया, मेरे पास होते तो मैं लगाती, अगर राजवीर के पास होते तो वो लगाता, जानवी के पास होता तो लगा। लेकिन यहाँ जिसके पास पैसा होता है ना, पैसा उसी के पास बार बार आता। कैपिटलिज्म में मनी कम्स और वेल्थ जनरेट्स टू दैट पर्सन हु ऑलरेडी हैज लॉट ऑफ वेल्थ। पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है। सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा मुहावरा, लक्ष्मी पूजन के दिन जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के टाइम पर, तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स लक्ष्मी माँ के फोटो के सामने घर की चाबी को रखते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, बैंक के पेपर्स या पासबुक जो भी है वो भी रखते हैं, घर के कागजात हो या जो उनका अकाउंट्स का बुक होता है ना, चुपड़ी कहते हैं उसको, जो दुकान में यूज करते हैं, रेड कलर की बुक होती है, वो सब रख के पूजा करते हैं ना। क्यों? बिकॉज वेल्थ अट्रैक्ट्स वेल्थ, एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग हियर इन कैपिटलिज्म। जिसके पास पैसा होगा उसी को पैसा मिलेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर भी होती है। यस और नो? कैपिटलिज्म में जो पैसा है, पैसा आपको पावर भी देता है। कैसा वाला पावर? पॉलिटिकल पावर भी देता है। आर यू गेटिंग मी? एनी डाउट इन दिस पार्ट? थोड़ा फास्ट जाओ क्या, स्लो लग रहा है क्या क्लास तुम लोग को? आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, नींद में ही है आज। अब देखो, जब इंडस्ट्री लगा रही थी ना आकांक्षा, तो उसके पास ना पैसे थे, इसी वजह से उसने क्या किया, मशीनें खरीदी। शी कुड परचेस मशीन्स, शी कुड परचेस टूल्स। अब उस पर क्यों गुस्सा निकाल रही है बेटा, तू लगा ले फैक्ट्री, ठीक है। अब मनस्वी की फैक्ट्री की बात करते हैं, तो मनस्वी के पास फैक्ट्री लगाने के पैसे इसलिए थे, तो पैसे थे इसलिए उसने क्या क्या खरीदा, मशीन खरीदा। मशीन के अलावा उसने क्या खरीदा, लैंड। अरे जमीन भी तो चाहिए ना, क्या हवा में रखेगी क्या मशीन को? हाँ, तो लैंड खरीदा। नहीं है लैंड खरीदने का इतना पैसा, तो क्या करेगी, लैंड को रेंट पे लेगी। फिर उस मशीन को काम करने के लिए रिपेयर्स का वगैरह पैसा चाहिए, वो भी कौन खर्चा करेगा, अपनी मनस्वी।
उसमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, कपड़ा बनाने वाले है ना, वो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है, तो रॉ मटेरियल कॉटन चाहिए, तो वो कॉटन भी उसको ही लाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा उसको इसके अलावा, और क्या करना पड़ेगा पलाश? सोचना जरा, तुम लोग तो बिजनेस माइंडेड बच्चे हो मेरे क्लास के। लेबरर्स, वेरी गुड, लेबर भी तो चाहिए, खुद काम करेगी क्या वो? खुद तो नहीं काम करेगी, हम लोगों को रखा ना उसने काम पर, तो लेबर चाहिए। मजदूर, मजदूरों को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। और क्या लिखोगे आंसर में? क्वेश्चन आएगा तो अंडर कैपिटलिज्म व्हाट आर द थिंग्स दैट अ कैपिटलिस्ट नीड टू स्पेंड ऑन? टूल्स, वेरी गुड, और करेक्ट आंसर है, और इम्प्लीमेंट्स। चाहिए ना कुछ हथौड़ा वथौड़ा, खराब हो गया मशीन रिपेयर करने के लिए, और क्या चाहिए बच्चा? बता रीच चाहिए, मार्केटिंग, मार्केटिंग, ओके, मार्केट चाहिए कुछ बनने के बाद बेचने के लिए, उसको सेल देम, यू नीड अ मार्केट, वेरी गुड। और क्या चाहिए बेटा? मार्केट तो मिल जाएगा, हम लोग ही खरीद लेंगे। और क्या चाहिए? बुक में से खोज के बता दो, चलो है बुक में, खोजो बुक में। और क्या क्या खर्चा उठाना पड़ेगा उसको? मान लो इतना सब करने के बाद बने हुए कपड़े नहीं दिखे, पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग का खर्चा भी हो गया, एडवर्टाइजिंग, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी चाहिए। लेकिन एक बार बताओ, ये सब एडवर्टाइज कर दिया इसलिए पैकेजिंग भी बहुत मस्त किया, बिके नहीं गुड्स, तो क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस को बेयर करने के रिस्क भी उसे उठानी पड़ेगी, यस और नो? तो सिर्फ हमेशा अच्छा अच्छा चीज ही होता है, ऐसा नहीं है, लॉस भी हो सकता है, उसका रिस्क भी उठाना पड़ेगा। क्या हमेशा प्रॉफिट ही होगा ऐसा गारंटी होता है क्या बच्चों? नहीं ना, प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो लॉस को भी बेयर करने की हिम्मत होनी चाहिए जो पैसा लगा रहा है, इतना सब करा रहा है। एक और चीज भी होनी चाहिए, सोचो अपने आप को 18th सेंचुरी में रख के सोचो, तो आपको आंसर मिलेगा। अभी 21st सेंचुरी का बच्चा बन के मत सोचो, आज से 300 साल पहले अगर आप फैक्ट्री लगाने वाले होते तो क्या चाहिए होता चलेगा ना, देख के बताने के लिए बोला ना मैंने, साइंटिस्ट क्यों चाहिए आप? क्या इन्वेंट न्यू थिंग? यस, टू इन्वेंट न्यू थिंग। फ्लाइंग शटल, वो कैसे उड़ते उड़ते आके गिरा क्या हैंडलूम पर? फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, ये सब बने ना, तो क्यों बने? वॉटर फ्रेम। और ये साइंटिस्ट, ये लोग जब ये सब इन्वेंट कर रहे हैं तो वो क्या कर पाएंगे? कहीं जाके मजदूरी वजदूरी का काम भी कर पाएगा क्या इन्वेंशन के साथ साथ? आकांक्षा सोच रही है, मैं साइंटिस्ट को कौन सा मजदूरों वाला काम करने के लिए भेजूं? बेटा तेरा मैथ्स का एग्जाम होता है, उस दिन तू एक पानी का ग्लास भी धोती है क्या घर पर? तो इन साइंटिस्ट लोगों से क्यों मजदूरी के बारे में सोच रही है? वो लोग तो अपना दिमाग लगा कर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना कुछ नया बनाने के लिए, तो वो लोग कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको घर चलाने का पैसा मुफ्त में बैठे बैठे कौन देगा? यही इंडस्ट्रियलिस्ट, यही फैक्ट्री ओनर, ये सब। तो वो उनको मुफ्त में साइंटिस्ट को पैसा देगा कि भाई तू बना इन्वेंशन, तू कर फ्लाइंग शटल जो भी है तेरा इन्वेंशन, करता रहे, मैं तुझे तेरे फैमिली को अच्छे से पाल पोसने जितना पैसा सैलरी में दूंगा, और मेरी उसकी एक ही शर्त होगी उसके बदले कि जो भी तेरा इन्वेंशन बनेगा वो इन्वेंशन सिर्फ मुझे देगा, किसी और को।
ताकि मेरा इंडस्ट्री क्या हो, मेरी फैक्ट्री क्या हो, सबसे बेहतर काम करे, सबसे ज्यादा कपड़ा बनाए, सबसे कम दाम में मेरा सबसे कम रॉ मटेरियल लगे और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बनकर तैयार हो अच्छे क्वालिटी। इस काम के लिए आप इसको लगाओगे, साइंटिस्ट को लगाओगे, तो ये सारी चीजों में आप क्या लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो। पैसे लगाने को क्या कहते हैं? यस, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पैसे लगाने को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये कौन से वर्ड से आया बेटा? लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड इन्वेस्टियर। किस वर्ड से आया है? इन्वेस्टियर। कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इन्वेस्टियर मीन्स टू क्लोथ। टू क्लोथ कैसे? क्या पैसे को क्या कपड़ा पहना दिया, तो फिर कैसे क्लोथ हो गया? Why investment or investor word is? अरे भाई सुनो ना, आकांक्षा के पास 2 करोड़ आ गए, मनस्वी के पास 4 करोड़ आ गए, दोनों अपनी इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो अब इस इंडस्ट्री को और क्या करेंगे? ग्रो कराएंगे। मान लो पहली बार पहले साल का जो भी प्रॉफिट का पैसा आया 2 करोड़, आकांक्षा ऐसे ही रख के बैंक में चुपचाप बैठ गई, तो क्या वो 2 करोड़ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। और वही उसी टाइम पर मनस्वी के पास भी 2 करोड़ रुपए आए थे प्रॉफिट में, उसी पैसे को उसने क्या कर दिया? पिज्जा फैक्ट्री खोल दी, या फिर कोई और दूसरी फैक्ट्री, जूतों की फैक्ट्री खोल दी, बैग्स की फैक्ट्री खोल दी। तो अब क्या होगा? वो पैसा और ग्रो करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पैसों को हम इन्वेस्ट करते हैं। क्या सभी पैसों को एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर उस एक जगह में लॉस हो गया तो फिर सारे पैसे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करता है, तो कोई FD निकाल देता है। इट्स मेनी अदर थिंग्स दैट पीपल डू इन्वेस्ट देयर मनी। सो दैट मींस वो क्या करें, पैसों को अलग अलग कपड़ा पहना रहे हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में रख रहे हो तो आप उसको म्यूचुअल फंड का कपड़ा पहना रहे हो, जब आप उसको FD में रख रहे हो तो आपने उसको किसका कपड़ा पहना दिया? FD का। तो ये क्या हो रहा है, यू आर क्लोदिंग योर मनी और इन्वेस्टिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉसेस फॉर राइज ऑफ कैपिटलिज्म, एक है क्या तुम लोग का? खत्म हो गया ये बात? मेरे बेटा 5 मिनट ब्रेक ले। आता भी नहीं कोई, सब तुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, पर काफी डाउट हो गया है। Gracias.
हॉलीडेज में बहुत ज्यादा होंगे, मैं पेपर हर टर्म से पहले लेती हूँ हॉलीडेज, 3 दिन की 2 दिन की तो लेती हूँ। इस बार भी सेकेंड टर्म में कुछ पहाड़ तो ले इस बार अर्जित और इन लोग को भी अच्छा अर्जित से है, अर्जित को 72 आया, सेल को 75 आया, सेल को 75 आया, गौरी को 79 एना 73 सेकंड टाइम पे अच्छा आता है, थर्ड टाइम पे तो वाट लगी है, मुझे ही पता है अभी तक पढ़ाई भी शुरू नहीं की है मेरे पे, तो टेंशन हो रही है, बस आराम से ये ठंडे पे अभी जाने नहीं जाएगा अपना राजवीर ने बनाया एक मस्त मशीन
जिससे वो फ्यूचर देख सकता है, और अगर कल को उसी जैसा एक दूसरा साइंटिस्ट आकर बोल किसने नहीं ये तो मैंने बनाया है, ऐसा वो बोल ही नहीं सकता अगर उसने क्या करके रखा है पहले से पेटेंट। आगे बढ़ते हैं कॉसेस फॉर द राइज ऑफ कैपिटल। तो कॉसेस थोड़ा जल्दी जल्दी है क्योंकि ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं जो आपने यहाँ पे पढ़ी है। सबसे पहले इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन देखो दोनों ही जगहों पर इंक्रीज हो रहा था, रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी। रूरल एरिया में बढ़ता हुआ पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा था? बिकॉज खाने के लिए अच्छी चीजें मिल रही थी, एग्रेरियन रेवोल्यूशन हो गया था। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो, तुम लोग भी खा रहे थे ना अभी, तो क्या हुआ, रेवोल्यूशन नहीं हुआ इधर, तुम लोग तो ऐसे ही खाते रहते हो कभी। और मैंने क्लास में आने के बाद भी अगर आप लोग खाना चाहो तो खा सकते हो, मैंने कभी भी किसी को खाने पीने के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो खाते समय से का आवाज नहीं आना चाहिए और हाथ धोने के लिए भी जाने नहीं अपने रिस्क पे खाओ। तो यहाँ पे रूरल एरिया में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा था बिकॉज एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो एग्रेरियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हो गया था, यहाँ पे खाने पीने की चीजें मिल रही थी, एग्रीकल्चर में सक्सेस था, तो यहाँ के लोग अच्छा खा भी रहे थे, डिजीजेस कम हो रहे थे और वॉर भी नहीं हो रहा था। जैसे मैंने बताया नेपोलियन के टाइम पे वॉर ब्रिटेन के अंदर कभी लड़ाई नहीं गया, इसीलिए वहां पे वॉर नहीं है, एग्रीकल्चर खाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा था। उसके साथ साथ एग्रेरियन रेवोल्यूशन की वजह से रूरल एरियाज में जो एक्सेस लोग थे, अब जो काम दो लोग भी एक खेत में कर सकते हैं वही काम को करने के लिए 10 लोग सुबह सुबह उठ के जाएंगे तो कुछ मतलब बनेगा क्या, नहीं, तो जो 8 लोग एक्स्ट्रा थे अब वो कहाँ शिफ्ट होके जाएंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी लोग आ रहे थे, यहाँ पे भी रह रहे थे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रीज ज्वाइन कर ली थी जहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे। शुरू में तो ये सब अच्छा चल रहा था लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो क्या हो गया, इनके रहने खाने की जगह ठीक नहीं थी, वहां पे फिर डिजीजेस शुरू हो गए, फिल्टी था एरिया, गंदा था, तो वो लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे ना, परेशान हो गए वो लोग अर्बन एरिया में आके, छोटे छोटे घर में रहने लग गए। आगे बढ़ते लीगल रिक्वायरमेंट। अब देखो उस समय में क्या होता था, पहले की बात करूं तो ये एक बड़ी सी लैंड, इसमें क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, सब लोग आते थे, कभी मनस्विया उसने यहाँ पे कर लिया एग्रीकल्चर, कल अपना पलाश आएगा वो बोलेगा चल इधर, ये मनस्वी कर दिया तो मैं इधर कर, फिर जानवी बोलेगी छोड़ो मैं इतना छोटा सा हिस्सा ही ले लेती हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इधर ही कर रही है, फिर अपना कौन बच्चा, हाँ आकांक्षा बच्ची है, आकांक्षा बोलेगी ये पूरा मैं ले लेती हूँ, इतना बड़ा जगह छोड़ा है क्या, इससे लड़ता है प्रॉब्लम बना, तो क्या हुआ, तो वो करो ओ पुरानी बात अब आगे की, तो इन सब ने क्या कर लिया, अपने अपने हिसाब से जहां जगह मिली वहां कर ली, ऐसे में मैं घुस के आ गई, मैं बोली चलो मुझे ना आकांक्षा की थोड़ी सी आधी जगह दे रहे, मैं तेरे इसमें कर थोड़ी सी पानी, तो ऐसा जिधर जगह मिला वैसा किया, तो क्या ऐसा चलेगा, कितने दिनों तक ऐसे ही चलेगा, फिर आज हम लोगों का आपस में अच्छा चल रहा है तो हम लोगों ने कोऑपरेशन से कर लिया, कल को एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया तो एक दूसरे के जमीनों में क्या करोगे, घुस के आ जाओगे, नहीं इतनी जमीन मेरी है आकांक्षा की नहीं है, फिर ये भी बोली थी ये इतनी है ना ये जमीन मेरी है, तो फिर आकांक्षा के हिस्से की जमीन ही नहीं बचेगी, और ऊपर से मैं भी बोलने लगी कि नहीं ये है ना ये इतना भी मेरा है, तो आकांक्षा के नाम पर कोई जमीन ही नहीं बचेगी। ऐसे में इन सारी चीजों को बंद करने के लिए क्या किया, नए लॉस बनाए, इन नए लॉस का नाम क्या था, एनक्लोजर लॉ, एनक्लोजर लॉ क्या है ना, अरे बोलो ना, एनक्लोजर लॉ, ये एनक्लोजर लॉ क्या करेगा, ये सब हटा देगा, बोलेगा चुपचाप अपने अपने हिस्से के खेत में जाओ, उधर अपने अपने नाम की फेंसिंग लगाओ,
ये तुम्हारी खेत है, तुमने अपनी फेंसिंग लगाई, ये तुम्हारी खेत है, तुम अपनी फेंसिंग लगाओ, ये तुम्हारी खेत, तुम अपनी फेंसिंग लगाओ। फेंसिंग देखा होगा ना तुम लोगों ने, बाउंड्री, बाउंड्री बनाते हैं। तो ये इतनी बाउंड्री अब मेरी है, अगर फिक्स है तो इसके रिलेटेड पेपर वर्क बनेगा फिर कि हाँ ये वाली जमीन इतनी जो इस कुएं के बगल में है, उस पेड़ के पीछे है, ऐसी वाली इतनी जमीन, इसके इसके नाम भी। तो ये बनाने के लिए ना पैसे लगते थे और ये पैसे हर फार्मर के पास नहीं होते थे। एनक्लोजर लॉ में उनको पहले तो फेंसिंग बनानी पड़ती थी, ऊपर से अपना जो जमीन था उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था कि ये इतनी जमीन हमारी है, ताकि आगे चल के कोई भी इनकी जमीन पर घुस के ना आ सके। लेकिन इतने पैसे इनके पास थे ही नहीं, तो ये स्मॉल फार्मर्स क्या करने लगे, बड़े फार्मर्स है तो ठीक है अपनी फेंसिंग भी कर दी और एनक्लोजर लॉ को मान लिया, लेकिन स्मॉल फार्मर्स इस तरह की फेंसिंग नहीं करा पाए। उन्होंने क्या कर दिया, अपने जमीन को किसको बेच दिया, हाई फार्मर, बिग फार्मर, बिग फार्मर्स को बेच दिया। तो छोटे फार्मर्स क्या हो गए, कम हो गए। बिग फार्मर्स यानी जो बड़े रही जमींदार टाइप्स के लोग होते हैं ना, उनकी ज्यादा बढ़ गई, वो ज्यादा आ गए नंबर्स में। स्मॉल फार्मर्स लगभग क्या हो रहे थे, डिसअपीयर हो रहे। तो ये डिसअपीयर होकर कहाँ जाएंगे फिर, गांव छोड़कर अर्बन एरियाज में जाएंगे। समझ रहे हो, लिंक लग रहा है, सवाल पूछो, सवाल पूछो। एनक्लोजर लॉ में क्या करना पड़ता था, बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, प्रॉपर मेजरमेंट जी जाता क्यों, जिसके पास पैसा नहीं है ये फेंसिंग, ये तो पूरा नीम है, अदर लेवल। पता नहीं ये चैप्टर में ना आंसर उठपटा लिख के आ गया, जानगी थोड़ा घूम फिर के आ जा, तेरा अगर फ्रेश हो रहा है दिमाग छुट्टा करके आना। तो जिसके पास पैसा होता था वो तो एनक्लोजर लॉ के अंडर अपनी जमीन रजिस्टर करा ले, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, अब इतना खर्चा करने से तो अच्छा है कि जमीन ही बेच दो है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, स्मॉल फार्मर्स दे सोल्ड ऑफ देयर लैंड टू द बिग फार्मर्स। अब ये स्मॉल फार्मर के पास अपनी जमीन तो बची नहीं जहाँ पे ये खेती बाड़ी का काम कर सके, तो अब कहाँ आ जाएंगे ये लोग, अर्बन एरिया। नहीं दोनों मेरी है, मुझे क्यों भगाना चाहते है तू, अब इससे क्या हो गया, टाउन्स डेवलप होने लगे। टाउन्स क्या होते हैं, व्हाट आर टाउन्स, सिटी का ही वर्ड। तो टाउन सिटी है या नहीं वो बताओ जरूर। एक होता है अपना विलेज गांव, फिर होता है टाउन, फिर होता है सिटी। तो गांव क्या होता है, शहर क्या होता है, ये तो पता हम लोगों को। गांव बोलते एक फार्मर याद आ जाता है जिसके हाथ खेती कर रहा है, ठीक है। सिटी बोलते ही बड़े बड़े रास्ते जिसमें गाड़ियां दौड़ रही है, तो ये क्या है, एरियाज इन ट्रांजिशन। करेक्ट, वेरी गुड। कहाँ से पढ़ के आया, वेरी गुड, बट इट इज करेक्ट। तो टाउन्स वो होते हैं जो अब विलेज तो नहीं रहे लेकिन सिटी भी नहीं बने, तो दे आर ऑन अ ट्रांजिशन फेज। तो अब ये विलेज की तरह खेती बाड़ी नहीं करते लेकिन इनके पास सिटी जितने फैसिलिटी भी नहीं बने, तो कौन पेन से खेल रहा है, मैं छीन लूंगी आप पेन, मनस्वी। तो अब ये टाउन क्या होता है, ये विलेज से सिटी की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह सिटी बने नहीं है। सो टाउन्स आर इन अ ट्रांजिशन फेज। तो ऐसे टाउन्स बहुत सारे डेवलप हो रहे थे, कहाँ डेवलप होंगे टाउन्स, किधर डेवलप होंगे टाउन्स, वही ना जहां पर फैक्ट्री होंगी। फैक्ट्री में ही तो काम करने के लिए जाएंगे ये लोग, गरीब लोग। तो जब फैक्ट्री होगी वहीं पर क्या होगा, टाउन का डेवलपमेंट होगा। और टाउन किधर, फैक्ट्री किधर लगाई जाती है, आकांक्षा बताएगी, कंट्री साइड। क्यों, अच्छा तू फैक्ट्री लगा रही है
कॉटन का देखो सबसे पहला क्या चाहिए उधर फैक्ट्री के अंदर। अरे नहीं रे कॉटन नहीं भी रहेगा तो भी तू लगा ले, मैं बाद में लेके आऊंगी कॉटन तेरे लिए भर भर के। तो मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए, पंखा चल के फिर है ये इलेक्ट्रिसिटी। और क्या चाहिए तेरे जो लेबरर्स वहां काम आज तो क्या रणवीर बस सब सीख सीख क्या है एक के बाद एक फिक्सर मार रहा है पड़ गया है। परिवार होना चाहिए आसपास में, परिवार से क्या मिलेगा पानी मिलेगा, इसके साथ साथ पावर सोर्स भी चाहिए। तो हाँ आप क्या कर सकते हो बेटा फैक्ट्री लगा सकते ये सब ऐसे ही किधर भी डेजर्ट में जाके बीच में फैक्ट्री मत खोल देना क्योंकि फिर वहां पे पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो लेबर काम करने ही नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो पानी डालेंगे ना, बेसिक चीजों के लिए तो पानी चाहिए। तो पानी तो चाहिए ही चाहिए और ऊपर से आपको पावर सोर्स चाहिए यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस टाइम पे क्या था, कोल था, तो कोल के रिजर्वायर्स चाहिए ठीक है। और एक बात, क्या सब शहर अचानक से शहर बन गए, क्या मुंबई अचानक से मुंबई बन के ऐसा एकदम टिकटॉक बन गया, टाइम लगा ना धीरे धीरे बने ना। तो पहले ये भी सब क्या थे, गांव टाइप सी थे, उसको फिर टाउन बना, फिर उसके बाद सिटी बना। तो ऐसे कुछ टाउन्स या सिटीज की यहाँ पर बातें की गई है। फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक बहुत बड़ा गांव है, किधर गांव नहीं शहर है ये तो बहुत बड़ा शहर है। मैनचेस्टर किधर आता है, ब्रिटेन। ये सारी चीजें वहां ब्रिटेन की बातें हो रही है, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लीड्स, लिवरपूल, बर्मिंघम, ग्लासगो, शेफील्ड, ये सारे शहरों के नाम है। एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। जो मैनचेस्टर नाम का गांव है, शहर है बेटा सॉरी, बहुत बड़ा शहर है, मैं गांव बोलकर उसका अपमान कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा। जो मैनचेस्टर है यहाँ पे तो सबसे ज्यादा कपड़ा बनता था। मैनचेस्टर एक बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पे पुराने टाइम पे लंदन में कपड़े की स्पिनिंग होती थी, इट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केटप्लेस। इसको कॉटनोपोलिस भी बोला जाता, कॉटनोपोलिस मतलब मेट्रोपोलिस प्लस कॉटन, इन दोनों वर्ड्स को जोड़कर क्या बनाया गया है, कॉटनोपोलिस। फोन साइलेंट पे रखा करो बच्चों, कभी कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मैनचेस्टर में एक और चीज की बहुत बड़ी दुकान है, ये गाड़ी का नाम तो सुना होगा, ये इसका फैक्ट्री जो है ना इधर ही है मैनचेस्टर में, बहुत बड़ा है। और ये भी खाते होंगे ना, केलॉग्स, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, इसकी भी सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पे है, मैनचेस्टर में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रही हूँ। एक और शहर का नाम बताया गया, आप पहले उसको दांत लगाओ, तुझे भी दांत लगाऊं, पेन ऐसे लाते ही क्यों जिससे ऐसे 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 खेल पाओ, अगली बार मैं बैन ही कर दूंगी ऐसे खेलने वाले पेन। तो अभी भी कर रही इसके आवाज से मुझे डिस्टर्ब होता है और कुछ। वैसे हमने भी बहुत किया, अपने टीचर को परेशान किया, लेकिन क्लासरूम इतने बड़े बड़े होते थे, कितना भी टिक टिक टुक टुक करो आवाज टीचर तक पहुंचता ही नहीं था। एक तो लास्ट बेंच पे बैठे रहते थे, 50 बच्चे होते थे, टीचर को वैसे भी कोई आवाज का फर्क नहीं पड़ता। रोल्स रॉयस का सबसे जो कार है ना इनके, ये पहली बार यही डेवलप हुई मैनचेस्टर में, बड़ी फैक्ट्री है उनकी यहाँ पर। दूसरा शहर जो हम बात करने वाले लिवरपूल, लिवरपूल शहर के बारे में बात करने वाले हैं। लिवरपूल भी आज के टाइम पर किसके लिए फेमस है, लिवरपूल फुटबॉल, अरे कुछ तो है आज सारे आंसर सही दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ दूसरा पूछू, लिवरपूल में और क्या होता था उस टाइम पर, उस टाइम पर जबकि हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे इतना फुटबॉल वहां पे नहीं खेलते, कॉटन बनता और
लिवरपूल में कॉटन का बनता ही था, साथ में स्लेव ट्रेड भी होता था। क्या होता था? स्लेव ट्रेड। इन सभी कारखानों में काम करने के लिए अगर लेबरर नहीं मिले तो किसको ले जाके खड़ा कर देते थे? दासों को, स्लेव्स को। और एक जगह की बात करेंगे, लीड्स। ये लीड्स जगह की जो नाम है ना, ये जो लीड्स नाम की जगह है, सॉरी, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस भी है, कॉटन भी बनता है, बहुत अच्छे से कॉटन फैक्ट्रीज है, प्रिंटिंग प्रेस है। ये तुम लोग मिरिंडा वगैरह पीते हो ना, मिरिंडा, फैंटा, कोका। हाँ, तो वो क्या है बेसिकली, वो क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक, ब्रेवरेज, उसके साथ और क्या, कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक। उसको हम दूसरा क्या वर्ड कहते हैं? क्यों कार्बोनेटेड? क्या डाला उसके अंदर जो कार्बोनेटेड बना? सोडा। सोडा वाटर पहली बार सोडा वाटर पहली बार लीड्स में बनाया गया था। फ्लैक्स ऑयल, वुल का ट्रेड भी लोग करते थे। और ये जो लीड्स नाम की शहर है, इट इज सिचुएटेड बिसाइड्स रिवर आयर। ग्लासगो भी एक बहुत अच्छी शहर है, स्कॉटलैंड में है। यहाँ पे आयरन एंड कोल का भरमार है। और यहाँ पर पहली बार इन्होंने शिप बिल्डिंग शुरू किया था। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ब्रिटेन की नेवी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे लोग शिप बनाया करते थे। शेफील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन मिलता था, आयरन के ओर्स थे, और इसे आयरन ओर्स को इस्तेमाल करके शेफील्ड के लोग कटलरी ट्रेडिंग करते थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कटलरी? काटा, चम्मच, बर्तन वगैरह। यस, तो ये कटलरी कहाँ बनता था सबसे ज्यादा? आज भी अगर आप जाओ तो शेफील्ड के मार्केट में आपको बहुत सारे कटलरी आइटम्स देखने को मिलेंगे। ये भी एक रिवर के किनारे है, रिवर शीप। ठीक है, हमने लगभग सभी मेजर शहरों की बात कर ली। फिर से आते हैं मैनचेस्टर पर। तो 1770s के समय में क्या था, मैनचेस्टर की पॉपुलेशन कितनी थी? सिर्फ 25,000 लोग यहाँ पे रहते। लेकिन 1850s आते आते मैनचेस्टर की आबादी कितनी हो गई थी? बढ़ गई थी अराउंड 3,50,000। तो आप देख सकते हो पॉपुलेशन कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया विद इन 80 ईयर्स। द पॉपुलेशन हैज रिजन मेनी मेनी टाइम्स इन मैनचेस्टर। आगे बढ़ते हैं मास प्रोडक्शन की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मास प्रोडक्शन? और मनसी बताएगी, सो रही है वो ऑलमोस्ट, जानवी भी सो रही है, दोनों थोड़े थोड़े नींद में। ठंडी है ना, ठंडी के मौसम में वैसे भी नींद आती है। मास प्रोडक्शन क्या होता है? लार्ज क्वांटिटीज में बनाना, जल्दी जल्दी बनाना, फैक्ट्री मेड, यानी परफेक्शन। हर काम में हर चीज एक जैसा होता है मास प्रोडक्शन में। मतलब मैंने अगर एक मार्कर पेन बनाया तो सभी मार्कर पेन बिल्कुल एक ही साइज, शेप, क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी सेम होनी चाहिए। तो मास प्रोडक्शन उस टाइम पे ज्यादा बढ़ गया था। मास प्रोडक्शन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है नेगेटिवली? ठीक है, और क्या? मास प्रोडक्शन से पहले क्या था? डोमेस्टिक सिस्टम क्या हो जाता है? इफेक्ट हो जाता है। मतलब मान लो अगर मैं पहले घर पे, हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले घर पे क्या करती थी, अचार पापड़ का बिजनेस करती थी। लेकिन अब मैंने क्या कर लिया, मदर्स रेसिपी नाम का एक बड़ा इंडस्ट्री बगल में खोल दिया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल है ना, अचार मिलता है ना मदर्स रेसिपी का, खाया हो ना? तो मदर्स रेसिपी का अगर बड़ा सा इंडस्ट्री बगल में आ गया तो मेरा घर पे बना हुआ अचार पापड़ खरीदने के लिए कौन आए? कोई नहीं। सब लोग तो वो इंडस्ट्री में बना हुआ खरीदना पसंद करेंगे। तो मास प्रोडक्शन से बहुत सारे लोगों का जो घर के अंदर छोटे मोटे बिजनेस चल रहे थे ना, वो क्या हो गए ठप। लेकिन बहुत सारे लोगों का जॉब मिल गया, क्योंकि वो लोग क्या करने लगे, अब अर्बन एरिया में शिफ्ट होकर काम करने लगे। छोटे छोटे फार्मर्स तो वैसे भी क्या हो रहे थे बेटा, डिसअपीयर हो रहे थे, क्योंकि फेंसिंग या एनक्लोजर लॉ लगा दिया, तो इन्हें अपने छोटे छोटे जमीनें बेचकर शहर आना पड़ा।
अब जब ये लोग यहाँ शहर में आ गए एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हुए, तो कितने लोग आ गए थे यहाँ पर? बिकॉज दे वर रिप्लेस्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स इन की इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, मोर देन 3/4 ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन स्मॉल विलेज. तो पहले लगभग 3/4 पॉपुलेशन कहाँ रहता था? विलेज में रहता था. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कितने आ गए वो बताया क्या आप लोगों के बुक में? यस, हाफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेयर इट केम नाउ टू सिटीज, और आधा ही किधर बचा? विलेज में. मतलब पहले लोग ज्यादा कहाँ पे रहते थे? गांव में रहते थे. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब गांव और शहर की आबादी कैसे हो गई थी? लगभग बराबरी की हो गई. गांव में भी उतने लोग थे, शहर में भी उतने ही लोग थे. और अगर हम आगे की बात करें 1850 तक की अगर समय की हम बात करें, तो गांव में ही क्या हो गया था? पॉपुलेशन कम होने लग गया था. और शहरों में पॉपुलेशन क्या हो गया था? बढ़ता चला जा रहा. अब जब शहरों में पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये लोग बहुत सब सुख सुविधाओं में रहेंगे? एसी वाले कमरे में रहेंगे? बहुत मस्त फैसिलिटी के साथ रहेंगे? नहीं. अगर एक छोटा सा फैक्ट्री आपने खोला है, उसी के वर्कर्स अगर उस फैक्ट्री के आसपास रहने आएंगे, तो एक फैक्ट्री में तो लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग काम करते होंगे. तो वो सारे लोग उसी फैक्ट्री के आसपास में रहने के लिए आएंगे, तो जगह कैसी हो जाएगी? कंजेस्टेड हो जाएगी. कम और छोटे छोटे घर बांध लोगे और उसी में सबको फिक्स करने की, एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, ऐसे में क्या हो जाएगा? डिजीजे स्प्रेड होंगी, सैनिटेशन फैसिलिटी सही नहीं होगी, लोगों को बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि उनके पास अपने खुद के देखभाल करने के लिए जगह नहीं होगी. बहुत कम एरिया में ओवर क्राउडिंग के साथ इनको रहना पड़ेगा. लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब. अब जो पहले लोग थे वो एक थ्रेड बनाने के लिए एक स्पिंडल से 8 लोगों को लगाते थे काम पर, तब जाके एट द एंड ऑफ द डे देयर यूज्ड टू बी 8 स्पिंडल्स प्रोड्यूसिंग द थ्रेड. लेकिन अब एक ही चरखे से कितने बन रहे थे? मल्टीपल थ्रेड बन रहे थे. तो एक्सेस लोगों को क्या कर दिया था? जॉब से निकाल दिया गया था. और ये जो थ्रेड बनाने का काम था वो बेसिकली कौन करते थे? वुमेन. और वुमेन का क्या हो गया? जॉब अब चला गया क्योंकि स्पिनिंग जेनी बन के आई. तो स्पिनिंग जेनी की वजह से बहुत सारी औरतों ने अपने छोटे मोटे जॉब्स जो थे पार्ट टाइम जॉब्स वो खो दी. कहानी तो ऐसी भी जाती है कि जब स्पिनिंग जेनी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और बहुत सारे वुमेन ने अपने जॉब्स खो दिए थे, तो वो गुस्से में आई और एक दिन सभी औरतों ने ना डंडा उठाकर स्पिनिंग जेनी फोड़ दी. यस, वी हैव इवन कम अक्रॉस दिस इंसिडेंट्स. क्योंकि उनको ये लगा ना कि नौकरी पर किसकी बन किस क्यों बनाई, बिकॉज ये चीज इन्वेंट हुई है स्पिनिंग जेनी, अगर इसको ही तोड़ देंगे तो हमारा जॉब हमको वापस मिल जाएगा, यही सोच के उन्होंने तोड़ा. लेकिन कुछ फायदा नहीं, दूसरा कहीं फिर तो ला सकता ना, तो एम्प्लॉयर ने तो हमको रखा नहीं जॉब पर. एक्सप्लॉयटेशन. अब एक्सप्लॉयटेशन देखो क्यों होता है. अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आपको कभी कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर पाएगा. यहाँ पे ये फार्मर्स क्या कर रहे थे? अपना जमीन, अपना घर सब कुछ बेच रहे थे. किसको? बिग फार्मर्स को. बेच कर किधर आ रहे थे? अर्बन एरियाज में आ रहे थे. तो मतलब इनके पास वापस से मुड़कर पीछे जाने का कोई रास्ता बचा नहीं था. इनके पास गांव में कोई खेत वेत बची नहीं थी, गांव में कोई ऑक्यूपेशन भी नहीं बचा था, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर भी क्या हो गया था? एडवांस्ड हो गया था. तो वापस गांव में पलट के जाने का कोई मतलब था ही नहीं. तो इनके पास एक ही ऑप्शन था कि अर्बन एरिया में रहते, लेबरर का काम करे या वर्कर का काम करे फैक्ट्री में. और इन्हीं लेबरर्स या वर्कर्स का बहुत क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे कराते थे यहाँ के लोग? एक दिन में लगभग 12 से 15 घंटा काम कराते थे, 12 से 14 घंटा. तो अगर नौकरी देने वाला आदमी एक वर्कर को दिन में 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम कराएगा, तो क्या वो वर्कर थक नहीं जाएगा? ऑब्वियसली थकेगा. दिन में फिर उसको अपने लिए कितने? सिर्फ 10 ही घंटे मिलेंगे. उधर 10 घंटे में 8 घंटे तो सोने में चले जाएंगे, फिर बाकी 2 घंटे में खाना खाएगा वो, और बाकी सारा टाइम तो इन्हीं का काम करते हो. और वो भी कितने दिन? हफ्ते में 6 दिन. ये कुछ ज्यादा ही जागती नहीं होगी इन लोगों के साथ. तो इस तरह से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता. बिसाइड्स दैट, डिविजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा फैशन में था. मतलब व्हाट इज डिविजन ऑफ लेबर? मान लो हम 6 के 6 जन क्या है? फैक्ट्री में काम करने वाले लोग.
मेरे पास काम है कि मैं कपड़े को क्या करूंगी, पैक करूंगी, सील करूंगी। इसके पास काम है कि ये कपड़े को क्या करेगी, फोल्ड करेगी। इसके पास काम है कि ये कपड़े पे जो बटन्स वगैरह लगाते हैं वो लगाएगी। इसके पास काम है कि जो मैंने पैक करके कपड़ा दिया है उसको वो कार्टन बॉक्सेस में क्या करेगी, भरेगी, असेंबल करेगी। और ये दोनों का काम है ले जाके डिलीवर करके आने का। ठीक है, तो हमारा ये काम फिक्स है। पिछले एक साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमको मजा आ रहा है, हमारा हाथ बैठ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन मान लो अब ऐसे ही करते करते 10-15 साल बीत गए, ये रोज बटन लगा रही है, ये रोज कपड़ा फोल्ड कर रही है, मैं रोज कपड़े पैक कर रही हूँ, ये रोज पैक्ड पैकेट्स को कार्टन बॉक्सेस में भर रही है और ये दोनों रोज डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा कितने सालों से हो रहा है? 10 सालों से। क्या ये काम बोरिंग नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली बोरिंग हो जाएगा। और इसमें हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कभी कोई ऐसा अदली बदली भी नहीं कि चल मनस्वी आज तू ना पैक करने का काम कर, मैं बटन लगाने का काम कर दू। ऐसा भी नहीं। ऐसा क्यों करते थे? देखो, डिवीजन ऑफ वर्क के पीछे बहुतों का फायदा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, देखो अगर रोज हम अपना अपना काम बदलने लगे तो रोज हम लोग को नया चीज सीख कर करना पड़ेगा। उसमें क्या जा रहा है? टाइम जा रहा है। सीख कर करने में गलतियां हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन अगर रोज हम एक ही काम करने लग गए और वही फिक्स काम करने लग गए तो एक ही बार सीखेंगे ना, रोज तो नहीं सीखना पड़ेगा वो काम, तो एक ही बार सीखेंगे। और एक बार सीख के करने लग गए तो क्या गलती करेंगे फिर वो काम में बार बार? नहीं, तो गलतियां भी कम हो जाएंगी। एफिशिएंसी क्या हो जाता है? यानी आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और ये किसके फायदे का, फायदे के में जाता है ये चीज? एफिशिएंसी किसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी? फैक्ट्री ओनर के लिए, यस और नो? क्योंकि अगर हम बिना गलती के कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हैं तो फायदा तो उसका हो रहा है ना। तो वो अपना फायदा देने के लिए क्या करेगा? डिविजन ऑफ लेबर। सो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वही वही काम पूरा पूरा दिन 12-12 घंटे 10-10 साल कराया जाता था। और लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाते थे? बोर हो जाते थे उस काम से, पक जाते थे। They used to be bored. अरे डीप भूल गई मैं, बोर लिख दिया, बोर हो जाते थे। और इन लोगों पर सुपरविजन के लिए भी लोग रखे जाते थे। मतलब अगर अगर मान लो 12 घंटे में से मैंने 1 घंटे का ब्रेक ही ले लिया तो नहीं चलेगा, मुझसे काम जबरदस्ती करवाया जाएगा और मैं कर रही हूँ या नहीं ये देखने के लिए सुपरवाइजर्स लगा दिए जाएंगे। ओवरक्राउडेड तो था ही, लेकिन इनके ओवरक्राउडेड जगहों में रहने की जगह भी बहुत शॉडी थी। शॉडी का मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड शॉडी? कंजेस्टेड और शॉडी क्या होता है? और देखो मेरी फैक्ट्री है, मुझे क्या करना है? लोगों को लाके उधर काम पे रखना है। ठीक है, तो मैं गांव से लोगों को उठा के शहर में ले आके काम पे लगा रही हूँ तो क्या मैं उसको अंबानी जैसा बंगला बांध के दूंगी क्या रहने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। मैं तो सस्ता पुस्ता जो भी सामान मिलेगा उससे घर बांध के दूंगी ना। तो शॉडी हाउसेस आर केयरलेसली बिल्ट हाउसेस। अरे पेन रेवोल्यूशन होना चाहिए इस क्लास। अरे बना दो कुछ घर जैसा, छत वत बना दो और उधर जाके रखेंगे हम लेबरर्स को, तो फिर क्या होगा? बारिश में अंदर पानी टपक 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 पड़ता रहेगा, फिर चूहे अंदर आएंगे जाएंगे भागेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ शॉडी हाउस। और क्या होता था? टेनेमेंट्स। टेनेमेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स टेनेमेंट्स? आजकल के आम भाषा में गौठान एरिया। सुना है कभी गौठान एरिया? बड़े शहर में भी ना कुछ हल्के फुल्के लोकेलिटीज होते हैं, जो लोकेलिटी ऐसे सस्ते होते हैं, ठीक है? अलग बात हो गई। तो चीपर हाउस, सिल्को के घर तो फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये इनसे भी खराब। यानी कि अगर आप मुंबई में रहना चाहते हो
लेकिन आपके पास पैसे नहीं है मुंबई में रहने के लिए, ना ही आपका अपना खुद का कोई घर है। आप कमाते हो 20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और इस 20,000 रुपए में ही आपको एक रेंटेड घर भी चाहिए, आपका महीने भर का गुजारा भी होना चाहिए, तो बहुत मुश्किल है ना। तो 20,000 का पूरा अगर आप रेंट ही दे दोगे तो फिर खाओगे क्या? तो रेंट के लिए कितना 4-5 हजार खर्च होगा, तभी आपका महीने भर का गुजारा हो पाए। तो 5-6 हजार में कैसा घर मिलेगा सोचो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ऐसे चीपर टेनमेंट्स में रहते थे जहाँ पे बहुत ओवरक्राउडिंग होती थी। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस वर्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज? What do you understand by occupational disease? Second person for the time. कौन से? Asbestosis का नाम सुना? हाँ, skin disease हो सकता है, और क्या? Respiratory disease. हाँ, और या फिर होने वाला है, और कुछ पोल्यूटेड एयर। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, मेरे पास मोबाइल में आपको मुझे कहीं मिली है। कॉटन का इंडस्ट्री लोग कर रहे थे, कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे। तो जब आप कॉटन को ऐसे लेके करते हो, ऐसे ऐसे स्प्रेड करते हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ निकलता है, देखा है? अगर सनलाइट में पकड़ के करो तो हाय स्नोफॉल ही दिखाई देगा, ऐसा नो, इतना छोटा छोटा पार्टिकल। अब जान भी नहीं तो मास्क पहन के रखा है तो इसके मुंह के अंदर वो चीज नहीं जाएगी। लेकिन अगर फिर भी जानवी पूरा टाइम मास्क पहन के दिन भर घर में बैठे बैठे कॉटन के साथ ऐसा खेलने लगेगी, तो मास्क में भी तो होल्स हैं, वहां से तो वो छोटे छोटे पीसेस कॉटन के घुस सकते हैं। तो ऐसा ही एक इमेज है, अब मिलना चाहिए ना मेरे गैलरी में, इतना बुरा मावड़ा रहता है। डेस्क पे नहीं बजाने का। तो देखो, अगर सालों से अगर कॉटन से ऐसे ही लोग काम करते हैं तो उनके लंग्स का हालत देखो, कैसे लंग्स के अंदर वो कॉटन के पीसेस जाके एक्यूमुलेट हो चुके हैं, देख रहे हो तुम लोग? अब क्या ये आदमी आसानी से सांस ले पाता होगा? इसे कहते हैं एस्बेस्टोसिस। तो ये जो बीमारी उसको हुई, क्या वो उसके कुछ गलत खाने पीने की वजह से हुई? नहीं, लेकिन उसके काम करने का ऐसा ही काम है जिसमें उसको ये बीमारी हो गई। सो देन वी इंक्लूड दिस इन अंडर ऑक्यूपेशनल डिजीज। देखो, आजकल के टाइम पे हमारा जो पानी पीने का पानी आता है उसके लिए जो पाइप लगे रहते हैं, या तो वो प्लास्टिक के होते हैं या फिर किसी और मटेरियल से बने होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सेफ हो। लेकिन उस टाइम पे ये पानी के पाइप भी कैसे बने रहते थे? लेड के, और लेड तो एक पॉइजनस मटेरियल है, यस और नो? ये सबसे सस्ता होता था, इसीलिए इसी से पानी के पाइप बनाते थे, और इसमें से पानी पी पी कर वहां के लोगों की लाइफ स्पैन पता है कितनी हो गई थी? सिर्फ 30-35, यानी सिर्फ 30-35 साल तक जीते ही आदमी मर जाता था, इतना पॉइजन खाएगा तो मरेगा ही ना। वहां के लोग ये ऐसे ही पाइप से पानी पीते थे। आगे देखते, इनके यहाँ पे पोल्यूशन बहुत हो गई थी, रिवर स्ट्रीम सारे पोल्यूटेड हो गए थे, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे रह रहे थे क्योंकि इनके पास वापस से मुड़कर गांव जाने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। यहाँ रहकर ही ये लोग क्या कर रहे थे? पैसे कमा रहे थे जिससे इनकी जिंदगी गुजर रही। अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी एक्सपैंड हो रहा था, लोगों को पैसे मिल रहे थे, रिच और पुअर के बीच डिफरेंसेस तो थे, लेकिन पुअर फिर भी इतने पुअर नहीं थे कि इनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे ना बचे। रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस थे, लेकिन रिच और पुअर में जो रिच तो थे बहुत ही अमीर हो रहे थे, लेकिन पुअर को भी एक मौका था कि कम से कम 2 वक्त की रोटी खाई। अगर वापस लौट कर गांव चला जाता तो शायद ही 2 वक्त की रोटी भी उसे ना मिलती, इसीलिए ये लोग यहीं पर शहर में रह रहे थे।
और गांव में जाकर तो लगातार उनको मास स्टार्वेशन का भी डर रहता था, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई, खेत में अच्छे से क्रॉप्स नहीं आए, तो पूरा का पूरा गांव क्या हो जाता था, स्टार्वेशन से मर जाता था। लेकिन अब शहरों में कम से कम ये हालत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं सोशलिज्म पर। सोशलिज्म इज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कैपिटलिज्म तो हम लोगों ने देखा, जहाँ पे पैसा है वहीं पे पैसा आएगा, पैसे वाला आदमी है और पैसा कमाएगा। सोशलिज्म क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सोशलिज्म? टेल मी। हु इज गोइंग टू टेल मी? कोई नहीं बताएगा क्या? सोशलिज्म वर्ड को तोड़ो ना, क्या समझ में आ रहा है? यूनिटी और सोशलिज्म वर्ड में सोसाइटी आ रही है, यस और नो? तो जो भी पैसा है वो सबका होना चाहिए, किसी एक का नहीं। यस यस इकोनॉमी। अरे पेन ऐसे सारे मिले हैं ना मुझे, इन्होंने जान को दिया। सोशलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ऐसा, अरे तुम लोग को स्कूल की बातें करने के लिए मेरा ही क्लास मिलता है क्या? मतलब रिसेस में बात नहीं करेंगे, बाहर स्कूल में भी बात नहीं करेंगे, सीधा आके मेरे ही क्लास में बात करेंगे। एक तो वैसे ही कभी कभार आते हो तुम लोग मेरे क्लास में, हाँ? हिस्ट्री को इतना भी मतलब फालतू मत समझो बेटा, हिस्ट्री बहुत कमाल की चीज है। जो चीजें गलत गलत तुम लोगों ने जिंदगी में पहले की है वो फिर से नहीं करोगे, हिस्ट्री को अच्छे से करोगे तुम। बाकी बताने का काम मेरा है, करने का काम। सो बर्थ ऑफ सोशलिज्म वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली सोशलिज्म की आइडियोलॉजी देखते हैं। सोशलिज्म कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अजब गजब। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ना वो अदानी की, अगर ये इंडस्ट्री की बात करूँ अंबानी की है, ये इंडस्ट्री टाटा की है, तो मैंने क्या कर दिया, हर इंडस्ट्री पर एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लगा दिया और वो इंडस्ट्री उन्हीं की है, तो ये क्या हो गया, कैपिटलिज्म हो गया। लेकिन कैपिटलिज्म अगर ना हो और मैं कहूँ कि हमारे देश में क्या है, सोशलिज्म है, तो वो टाटा की जो कंपनी है, अदानी की जो कंपनी है या अंबानी की जो कंपनी है, वो कंपनी उस एक आदमी की नहीं होगी, बल्कि वो कंपनी उन सभी लोगों की होगी जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ सीईओ या बड़े बड़े पोजीशन पे काम करने वाला नहीं, तो अगर वो उस कंपनी में टॉयलेट साफ करने का काम भी करता है ना, तो उस आदमी का भी हक है उस कंपनी से आया हुआ हर एक प्रॉफिट के पैसे पर। ये होता है सोशलिज्म। कुछ देर लगेगा हजम करने के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ही है। यस, अगर मैं कहूँ कि ताजमहल, ताजमहल इंडिया की प्रॉपर्टी है, अगर इंडिया की प्रॉपर्टी है तो क्या ताजमहल में जानवी घूमने जा सकती है? जा सकती है? नहीं जा सकती है। मैं भी जा सकती हूँ, कोई भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ताजमहल इंडिया की प्रॉपर्टी है। ताजमहल में तो घूमने के लिए बाहर से भी लोग आ सकते हैं, परमिशन के साथ ऑफकोर्स। तो ताजमहल क्या है, सबकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो गया, एक सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसको इंडस्ट्री में लगा के देख, मान लो वो जो कॉटन की फैक्ट्री इन दोनों ने खोली थी, वो इन दोनों की न होते हुए हम सबकी होती, हम सबकी है। तो इसका मतलब मेरा काम है उस फैक्ट्री में क्या करना, पैक करना सामान। इसका काम क्या था, चलो अभी थोड़ी देर के लिए तुम ओनर नहीं हो, तुम कौन हो, तुम फैक्ट्री में हमारी जैसी वर्कर हो। तुम क्या कर रही थी, बटन्स लगा रही, तो उसका जो पैकिंग था करने का, कार्टन में भरने का काम वो कर रही है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों का ही पैसा लगा हुआ है, हम लोग ही हमारी फैक्ट्री खोल रहे हैं, हम लोग ही काम कर रहे हैं। हम लोगों ने किसी बाहर वालों को अपॉइंट ही नहीं किया अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग डिवाइड बाय सिक्स कर देंगे, यस और नो? और पैसे भी जब हमने इस फैक्ट्री को खोलने में लगाए, इक्वल लगाई, मैंने भी 1000 रुपए दिए, इसने भी 1000, इसने भी 1000, सबने 1000 रुपए दिए, तो हम सबने साथ में मिलकर फैक्ट्री बनाई, साथ में काम किए,
साथ में ही खोला, साथ में ही प्रॉफिट मार लिया। सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा ये है नहीं बेटा। एग्जैक्टली अगर इसको देखने जाओ तो हो क्या जाता है, मान लो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इस पूरे फैक्ट्री में 80,000 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या 80,000 लोग एक ही लेवल का काम करते होंगे? नहीं, कुछ लोगों का काम बहुत मेहनत वाला होता होगा, लेकिन कुछ लोगों का काम बिल्कुल भी कोई मेहनत का नहीं है, बस दिमाग लगाने वाला काम है, डिसीजन मेकिंग वाला काम है, तो कुछ लोगों का बहुत कम मेहनत वाला काम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सभी 80,000 लोगों को इस कंपनी की प्रॉफिट बराबर से डिवाइड होके मिलेगी, तो क्या ये बात हजम हो रही है? तो सोशलिज्म के अपने आप में ही बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स पर जाने से पहले अच्छाई तो पहले पड़ी। अच्छाई क्या क्या बताई गई है सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को? ये कॉन्सेप्ट को भी किसने फेमस कराया? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। इसको इंक्वायरी इनटू हिज इनटू द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर क्रिएशन। इंक्वायरी क्या हुआ, क्या हुआ, किधर लिखा है? 1776 में लिखा है। इंक्वायरी इनटू द नेचर and the causes of wealth of nations, ये इसकी थ्योरी थी। इस बुक में इन्होंने इस सोशलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। इसमें यहाँ इन्होंने बताया है कि ऐसी एक बड़ी सी हम कंपनी खोलेंगे जिसमें पैसा तो एक ही आदमी लगाएगा लेकिन फायदा सब लोग मिल बांट के खाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है? कोई तैयार होगा ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए? तो यहाँ पे इसने बताया ऐसे कोई भी कैपिटलिस्ट नहीं होगा सोशलिस्ट सोसाइटी में जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, बल्कि वो तो ऐसा दिलदार देव मानुष बोलते हैं ना मराठी में, जो सबकी भलाई के बारे में पहले सोचेगा लास्ट में अपने बारे में सोचेगा, तो ऐसा भगवान टाइप वाला इंसान होगा जो सबकी भलाई पहले करेगा बाद में बचेगा तो बचेगा अपने लिए बनाने। ऐसे ऐसे अगर कोई कंपनी बना रहा है, ऐसे अगर कोई सोशलिस्ट लाइंस पर कोई कंपनी बना रहा है तो उसमें लेस इंटरफेरेंस होना चाहिए किसका? गवर्नमेंट का। लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डू यू से दिस? दिस इज नोन बाय अ लैटिन फ्रेज व्हिच इज सेड एज लेसेस फेयर। Which means, Latin is a French word. French words say, "Laissez faire," which means let us alone, leave us alone. Do we understand? यहाँ पे कंपनियाँ कह रही है गवर्नमेंट से कि भाई हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो भगवान राम की तरह है, हम सबका भला करने वाले लोग हैं, तो आप हमारे पीछे मत पड़ो, हमें अपने हिसाब से काम करने दो। गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, रूल लगाती है। बोलो बेटा कुछ बोलना है? ऐसे क्या तो मुझे लगा कुछ बोलना। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रूल्स बनाना, रेगुलेशंस लगाना, पाबंदियां लगाना कि नहीं तुम्हारे इंडस्ट्री में तुम इतना ही पानी इस्तेमाल करो, नहीं तुम्हारे इंडस्ट्री में तुम इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करो, नहीं तुम्हारे इंडस्ट्री में हम तुमको ये करने नहीं देंगे, वो करने नहीं देंगे। ऐसे पाबंदियां कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। तो ये लेसेस फेयर क्या बोलता है? दिस इज अ फ्रेंच टर्मिनोलॉजी विच सेज टू द गवर्नमेंट That leave us alone, let us alone. हमें दो, हमें जो करना है हमें करने दो, हम पर पाबंदियां मत लगाओ। And he strongly abhorred state interference in the economy. He abhorred का मतलब है hate करना। He said that ऐसी हम एक society बनाएंगे जो पूरी तरह से class discrimination यानी rich और poor के भेदभाव से दूर रहे। आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। अभी तक तो वैसे भी मीनिंग की ही बातें कर रहे थे लेकिन अब एक फिर से देख लेंगे मीनिंग क्या बता रहा है।
सोशलिज्म को सबने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, सबने अलग अलग तरीके से बताया है। तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या था? मनी, कैपिटल इज मनी। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? पन्ना पलटना पड़ता है आकांक्षा, अभी को पढ़ेगा ना हमको। बताओ बताओ जल्दी जल्दी, जोर से आ, ऐसे मन ही मन बोलोगे तो आंसर सुनाई नहीं देते, चौंगी हो गए, कान कमजोर हो गए। अरे बोलो ना, ऐसा जिसके पास पैसा है उसके पास ही पैसा आएगा, दैट इज कैपिटलिज्म, वेल्थ जनरेट्स वेल्थ, ऐसा आप आंसर में भी लिख सकते हो। तो सोशलिज्म क्या है? पैसा एक के पास रहेगा और वो सबको क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांट देगा। पैसा एक के पास होगा, जिसके पास है वो क्या करेगा? इंडस्ट्री खोलेगा, जय जयकार होगी, वाहवाही होगी उसकी, लेकिन प्रॉफिट किसको मिलेगा? खप, जो भी उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है सब। ऐसे ही एक आदमी है बैब्यू, ये भी फ्रेंच मैन है, ये क्या बोलता है? बैब्यू, बैब्यू फ्रांस से था। सुनिए उसका नाम ही ऐसा, मैं क्या करूं, मैंने नहीं रखा उसका नाम, उसकी मम्मी ने रखा है। फ्रांस का आदमी है, इसीलिए ऐसा अर्जित नाम। बैब्यूफ क्या बोलता है? What he says, पढ़ो second point, meaning of socialism में से। जोर से पढ़ो, जान भी पढ़ भी ना, अब तो सो जाएगी इससे पहले तेरे को थोड़ा जोर आए। Babu, one of the early socialist thinkers, even went to the extent of utilizing a republic of equal schools, welcoming doors will be open to all mankind. यानी हम अपने दरवाजे किसके लिए खोल रहे हैं? सबके लिए खोल रहे हैं, ऑल फॉर द मैनकाइंड, सबके लिए। पॉसिबल है क्या इंडिया में अगर एक इंडस्ट्री बनाओगे तो मेजोरिटी इंडियंस को ही अपॉइंट करोगे ना काम करने के लिए, लेकिन ये कह रहा हम मैनकाइंड को अपॉइंट करेगा उस इंडस्ट्री में काम करने। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। सोशलिज्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड नॉट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल बट बाय द कम्युनिटी। यानी पूरा का पूरा काम काज किसके हाथ में होगा? कम्युनिटी के पास, सोसाइटी के पास। अक्सर इंडस्ट्री किसके हाथ में होगी? कम्युनिटी के पास, पूरे लोगों के पास, सोसाइटी के पास होगी। और वो लोग शेयर क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे अपना सारा प्रोड्यूस। अब एक बात सोचो बेटा, अगर सबको शेयर इक्वल मिलने वाला है तो क्या मैं अपना काम करूंगी? अगर महीने के आखिर में मेरे को पता है कि मैं काम नहीं भी करूंगी तो भी मेरे को अपना शेयर का पैसा मिलेगा, तो क्या मैं काम करूंगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करूंगी। काम आदमी तब करता है ना जब उस पर डर हो कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अगले महीने मुझे मेरे बॉस काम पे नहीं रखेंगे और मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो अलग ही सोचते हैं। The evil effects of capitalism and the spirit of improving the condition of workers gave rise to socialism. तो कैपिटलिज्म ने जितना कुछ गलत चीजें कर रखी थी ना उसको हटाने के लिए और वर्कर्स की जिंदगी बेहतर करने के लिए ये तरीके का एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें क्लास स्ट्रगल को खत्म करना। क्लास स्ट्रगल समझते हो ना, रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है, इस चीज को करनी थी खत्म। और क्या शुरू करना था? क्लास लेस सोसाइटी। वॉट इज अ क्लास लेस सोसाइटी? क्या जानवी कपूर हम लोगों से बात करेंगी? क्यों क्यों करेगी बात? नहीं करेगी ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेगी? हाई क्लास सोसाइटी से है ना, पैसा ज्यादा है उनके पास। एक सेलिब्रिटी है, क्या हम लोग सेलिब्रिटी है? नहीं, अगर बनेंगे तो शायद बात करेगी, नहीं बनेंगे तो नहीं बात करेगी। तो ये क्या है, हमारे सोसाइटी में क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस है, इसकी वजह से बातें नहीं होती, हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन लेस है। तो हमें क्या बनाना था? एक क्लास लेस सोसाइटी बनानी थी। किसको? सोशलिस्ट लोगों को। यहाँ पे कंट्रोल क्या कौन करता है? हर प्रोडक्शन पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन, लेकिन वो भी कंट्रोल कैसे? कम से कम इंटरफियरेंस के साथ। लेस इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट,
लेकिन फिर भी ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और मान लो अगर मेरे पास पैसे ज्यादा आ रहे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मेरे पैसे छीन कर किसी गरीब को दे देगा। हजम हो रहा है ये सब? ऐसा लग रहा है मैम क्या झूठा झूठा बता रहे हो? कॉन्सेप्ट यही है बेटा, कितना भी झूठा लगे यही है, सही लिखोगे तो ही आंसर मिलेगा। तो तीन प्रिंसिपल सेम का, इनका क्या प्रिंसिपल था, एक तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तीन प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले इनका काम देख लेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट हैज टू डू द वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी के पास भी अगर ज्यादा पैसा या ज्यादा खाने की चीज होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो ज्यादा पैसा, ज्यादा जमीन, ज्यादा खाने पीने की चीजें उस अमीर आदमी से लेकर गरीबों में बांट देगा। एंड इनफैक्ट इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। हैव यू एवर रेड इंडिया प्रीएम्बल? पढ़ा है इंडिया का प्रीएम्बल? अरे चेहरे तो देखो तुम लोगों के, मैंने प्रीएम्बल किधर होता है, हमारे बुक में तो नहीं आता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है मैम, हम लोग नहीं पढ़ते आउट ऑफ सिलेबस। अरे ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज क्या है, प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है, विच मीन्स इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। किसी के, अब जानवी के पास आधी महाराष्ट्र खरीदने की कैपेसिटी है। जानवी ने क्या की, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र, पलाश को बड़ा शौक लग रहा है, तो जानवी ने क्या कर लिया, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र को खरीद लिया। अब इतने ज्यादा महाराष्ट्र ये खुद ही रखेगी तो महाराष्ट्र शासन किस पर शासन करेगा, बचेगा ही नहीं किसी पर शासन करने के लिए। तो महाराष्ट्र शासन उससे क्या बोलेगा कि नहीं जानवी साहब, आपके पास इतना जो भी जमीन है ना चलेगा नहीं, आप इतना नहीं रख सकते, आपको थोड़ा सा ठाणे जिला में से ये वाला हिस्सा दे देंगे और बाकी का पूरा महाराष्ट्र आप हमको दो। यस और नो? उसके बदले हो सकता है वो आपको कुछ कंपेंसेशन दे दे। तो ये सिस्टम क्या है, दिस इज सोशलिज्म। अगर मनस्वी के पास बहुत सारा वीट है, बहुत सारा, इतना सारा वीट के आधा इंडिया वो वीट खा सकता है, लेकिन इतना वीट अगर उसने अपने गोडाउन में रखा और हम लोग को दे नहीं रही है तो क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, वॉट्स करेगा, बोलेगा कि नहीं इतने वीट की होल्डिंग हम आपको नहीं करने देंगे, हम आपसे वो वीट खरीद लेंगे। चलो भाई वैसे भी तुम लोग आज बहुत लो एनर्जी के दिख रहे हो, जाओ, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ वो हवे में तो नहीं जा रहा है, टेंशन ले दो रहे तुम लोग। अरे तू खरीदा उसको बदल देते, तेरे ते तू खरीद रहा है, सब खरीदेगा तू, अच्छे से पढ़ाई कर, ज्यादा पैसे कमाएगा तो सब कुछ खरीद पाएगा, वो भी खरीद लेगा। खरीदी है, वेरी गुड, और दो तीन खरीदेगा। Thank you.